Hello students, hope you are going very well through the topics explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of exercise 13.7 unit surface area and volumes. Here question number 7th, 8th and 9th are the doubts of a student. But I explain you question number 8 because 7th and 8th almost same hai. 7th ka ek part 8th mein bhi hai, so I will explain you question number 8. If a triangle ABC in question number 7th above is revolved about side 5 cm. अब इसमें है अपने पास साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. जो तो है बिगर साइड दैट इज़ द हाइपोटेन्यूज एंड बाकी की दो साइड्स जो हैं एक को मानेंगे हम परपेंडिकुलर एक को मानेंगे बेस. अब जिस साइड के अराउंड रिवॉल्व किया गया है ट्राइंगल को तो वी हैव टू एडजस्ट दैट साइड एज हाइट. मतलब रिवॉल्व अबाउट साइड 5 सेंटीमीटर तो हाइट इज 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इज द बेस. तो अकॉर्डिंग टू इट वी हैव टू एडजस्ट हेयर सिंस ट्राइंगल इज रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर साइड सो हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस. अब इसको आप अगर एडजस्ट करोगे तो इट विल बी द रेडियस ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये फुल फ्लैज कोन बन गया तो ये थी हाइट एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन. तो रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जो बेस है अपने पास. बस इस बात का ध्यान रखना है इसमें नथिंग एल्स. देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेंड. इसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है. फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉलिड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8. क्वेश्चन नंबर 7 में जो रिवॉल्व द ट्राइंगल अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर्स मीन्स 13 सेंटीमीटर इज द हाइपोटेन्यूज 12 सेंटीमीटर इज हाइट एंड रेडियस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. तो इसके अकॉर्डिंग ये रेडियस है अब 5 सेंटीमीटर वो बाद में एडजस्ट करेंगे. 7th का ये है 8th का ये है तो 7th वाला हमें पहले रखना है एडजस्टमेंट में. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर वॉल्यूम ऑफ कोन. कोन बना है सॉलिड तो इट विल बी 1/3 πr² h दैट इज 1/3 πr की वैल्यू है 12 × 12 × 5 तो इट विल बी 4 × 3 = 12 मीन्स 4 × 12 × 5 × π क्योंकि कैंसिल करना है अभी एज इट इज़ रहने तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. सिंस ट्राइंगल इज रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर साइड देन हाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ये है 7th के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7th के अकॉर्डिंग. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 πr² h. वॉल्यूम तो वही रहेगा फॉर्मूला 1/3 π एज इट इज़ रहने दो. r की वैल्यू है अब यहाँ पे 5 × 5 × 12 4 × 3 = 12 दैट इज 4 × 5 × 5 × π. तो रेशियो ऑफ बोथ वॉल्यूम्स पहले क्वेश्चन नंबर 7th वाला वॉल्यूम है 4 × 5 × 5 × π देन 8th वाला वॉल्यूम 4 × 12 = 5 π. 4 and 5 कैंसिल पाई भी कैंसिल तो 5:12 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8th फाइव रेशो 12 and 240 π 240 π है अकॉर्डिंग टू 5 सेंटीमीटर हाइट. मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 × 12 क्या हो जाएगा 240. मैंने सिंपल मल्टीप्लाई नहीं किया बस एज इट इज़ रहने दिया था ठीक है. एंड सेकेंड इज रेशियो 5:12 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ आई एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 9th. अ हीप ऑफ व्हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर्स. डायमीटर दिया हुआ तो रेडियस हमें फाइंड करना है. हाइट दी हुई है फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम फाइंड करना है. द हीप इज़ टू बी कवर्ड विद कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन.
कनवस से कवर किया मतलब सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल एडजस्ट करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। सबसे पहले है अपने पास डायमीटर ऑफ कॉन इज इक्वल टू 10.5 मीटर, दैट इज रेडियस ऑफ कॉन क्या आ जाएगा 10.5/2, दैट इज 105/20 meters, एंड हाइट इज 3 meters। हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 3 meter, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला आ जाएगा 1/3 πr² h, दैट इज 1/3 × 22/7, r इज हेयर 105/20 × 3, 7 × 1 = 7, 5 × 5 = 3 × 5 = 4 × 5 = 21 × 5 = 2 = 11, this is 33 × 21/8, that is 33 × 20 + 33 × 1, this is 660 + 33/8 = 693/8, 8 8 6 64 53 8 6 48 50 8 6 are again 48 20 8 2 are 16 40 8 5 are 40 meters cube, this is the volume. Now we have to adjust here L, पाई आर एल एडजस्ट करना है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर रूट ऑफ 105/20² प्लस एच की वैल्यू है यहाँ पे 3² 105 का होल स्क्वेयर हो जाएगा आपके पास 110 × 100 + 105 × 5 = 5 5 1 1 0 2 5 √ 11 0 2 5 by 400 + 9, तो इट विल बी 110 × 2 5 + 3600 / 400, एंड दिस इज 25641/20। रूट सिर्फ इसी टर्म का एडजस्ट कर देंगे, बाय 2400 का रूट मैंने डायरेक्ट एडजस्ट कर दिया। नाउ 14625 का रूट सॉल्व करने, ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व कर लो, इजी रहेगा। 1 1 46 2 2 2 2 5 2 4 and 5, पॉइंट एडजस्ट कर दो 0.00 2 4 5 8 के साथ एडजस्ट करेंगे तो 64 6 46 4 36 3 19 19 6 6 4, means it will be 12.05/20 6.025 approximate by 10, it will be 120.5 approximate, and 120.5 के अकॉर्डिंग हो जाएगा 12.05/2, डेसिमल मैंने 10 के अकॉर्डिंग और बैक ले गए, तो इट विल बी 6.025 approximate। तो 6.025 एल की वैल्यू है। वी हैव टू एडजस्ट हेयर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल हीप, इट विल बी पाई आर एल,
पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 105/20, मल्टीप्लाई बाय एल अप्रॉक्सीमेट दिस वन, 7 ones are 7 fives are 10 11 11 into 15 into 6.025 by 10। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आप अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा आपके पास 165 × 6025। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 6025 00+0 33 15 36 + 5 के साथ करेंगे तो 125 30। अप्रॉक्सीमेट ही आएगा, इवन को ऐड करके आ जाएगी अपने पास वैल्यू 5 2 1 and 5 6 6 and 5 11 1 1 and 1 2 2 and 2 4 7 and 3 10 1 carry over 10 by 10। तो डेसिमल वी हैव टू एडजस्ट हेयर। तो हमने यहाँ पे 6.025 अप्रॉक्सीमेट लिया ना, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा क्वेश्चन के आंसर में, एंड नियर अबाउट 100 4.125 by 10 था, तो अप्रॉक्सीमेटली 100.41 इसका आंसर आ जाएगा। पीछे आंसर दिया हुआ है इसका 99.825, 99 अप्रॉक्सीमेटली डायरेक्ट वैल्यू एडजस्ट करेंगे ना, 6.025 हमने जो यहाँ पे एडजस्ट की थी एल की, वो राउंडिंग आप फिगर के अकॉर्डिंग 6.1 अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका, तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वेयर। एंड नाउ आई एक्सप्लेन यू वन मोर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.7। क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे डाउट मिला था इसका, एंड सेकंड का पार्ट बी एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। हेयर इज क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट बी, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद, हाइट दी हुई है, स्लांट हाइट दी हुई है। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, सॉरी 13.7 का नहीं, 13.8 का। 13.7 इज कम्प्लीटेड नाउ, 13.8 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस सॉल्व कर लेंगे। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल स्फेरिकल बाउल, स्फेयर की, स्फेयर का वॉल्यूम एडजस्ट करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू होता है 4/3 πr³, एंड डायमीटर के अकॉर्डिंग रेडियस एडजस्ट कर लो और आगे सॉल्व कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट टू, डायमीटर इज इक्वल टू 0.21 meter, तो रेडियस इज इक्वल टू 0.21/2, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम ले लो, या वाटर डिस्प्लेस्ड इन स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू 4/3 πr³, दैट इज 4/3 22/7, आर की वैल्यू है 21/200 21/200, डेसिमल एडजस्ट कर दिया मैंने बस, 21/200, 7 7 कैंसल, 11 121 into 21 441 into 11 by 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0, 441 0 + 441, it will be 4 5 8 1 4 5 8 4 4 8 5 1 by 4 into 10 lakh। इसको डिवाइड कर लो पहले, इट विल बी 1 2 1 2 point 30 के अकॉर्डिंग 4 7s are 28 4 5s are 20, डिवाइडेड बाय 6 times 0 6 times 0 के अकॉर्डिंग बैक आएंगे तो 0.001212 अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा।
Answer is here 0.004851. 0.004851. ये टर्म आ रही है. यस, हेयर इज 4 दैट वी डोंट एडजस्ट हेयर. मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइड बाय 4. 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसल्ड ही है. एंड इट्स वैल्यू विल बी 4851. 6 टाइम जीरोज के अकॉर्डिंग 0.004851 meters cube. This is the answer of this question, and remaining doubtful questions I will explain in my next video. Till then, thank you.